नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपका भी स्नैपचैट नहीं चल रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट ओपन नहीं हो रहा है या नहीं चल रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद यहाँ से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल में आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना भूल जाते हैं और उसके बावजूद भी वो इंटरनेट चलाते हैं, वो स्नैपचैट ओपन करते हैं, जिसके कारण उनका स्नैपचैट नहीं चलता है या ओपन नहीं होता है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन है उसके बावजूद भी यहाँ पर आपका स्नैपचैट नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में एक बार आपको एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के थोड़ा देर बाद फिर से आपको इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में स्नैपचैट को ओपन करना है, चला कर देखना है कि आपका स्नैपचैट चल रहा है कि नहीं। अगर आपका इतना सी स्नैपचैट चलने लगता है तो ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम इतना से भी ठीक नहीं होता है तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्नैपचैट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट का अपडेट आया हुआ है तो सिंपल आपको यहाँ से स्नैपचैट को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको कट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक ऐप मैनेजमेंट या आपको एक एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद फिर से आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और इसमें आपको स्नैपचैट ढूंढ लेना है। स्नैपचैट ढूंढने के बाद आपको स्नैपचैट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक बार फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपको स्नैपचैट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक बार क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से अगर आपके स्नैपचैट में अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ से जो आपका अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा क्लियर डाटा करने से, तो सिंपल आपको बैक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, यह दोनों आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में ऑफ नहीं है तो इसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में स्नैपचैट को ओपन करना है। तो चलिए स्नैपचैट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन नंबर से अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपना ईमेल आईडी या यूजर नेम से लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यूज ईमेल और यूजर नेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना यूजर नेम डाल लेते हैं। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नॉट अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा स्नैपचैट ओपन हो गया है और यहाँ पर मेरा स्नैपचैट काम कर रहा है। और यहाँ पर आपका ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका फ्रंट कैमरा ओपन होगा, तो यहाँ से हम इसको बैक कैमरा में चेंज किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा स्नैपचैट है प्रॉपर काम कर रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट काम नहीं कर रहा था तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।